गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज 9 दिसंबर, टाइम हो रहा है 10:49। मौसम बहुत ही अच्छा है, 21 डिग्री सेल्सियस, धूप निकली हुई है। और आज की राइड के लिए हम लोग जा रहे हैं माणिकपुर और कुंडा, जो कि प्रयागराज के रास्ते में पड़ेगा। अगर लखनऊ से प्रयागराज जाएंगे तो उसके रास्ते में पड़ते हैं ये दोनों। माणिकपुर थोड़ा अलग पड़ता है, थोड़ा सा ऑफ रूट है। बट माणिकपुर होते हुए हम लोग कुंडा जाएंगे, या तो कुंडा होके माणिकपुर जाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम है कुंडा में, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। एंड वील सी हाउ इट गोज़ एंड आई कीप यू अपडेटेड। तो सारी बाइक्स आ गई हैं। आज हमारे साथ हैं 4 हंटर, 1, 2, 3 और ये 4। चारों हंटर से निकल रहे हैं, रेडी टू लीव। द राइड हैज बिगन। तीनों हंटर आ गए हैं, मैं पीछे चलूँगा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है इस समय, ब्यूटीफुल 21 डिग्री सेल्सियस, नाइस सनी हवा तो ऑब्वियसली लगी रही है, एंड जैकेट के वेंट्स भी खुले हुए हैं, तो यू नो हल्की हल्की ठंडक। बहुत ही परफेक्ट मौसम है इस समय राइडिंग का। सो आई थिंक फर्स्ट टोल आ रहा है बिकॉज फास्टैग की शॉप्स शुरू हो गई हैं, सो वी मस्ट बी अप्रोचिंग द फर्स्ट टोल गेट। सो हम लोग फर्स्ट टोल गेट पे आ गए हैं, एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेस वे, सो इस पर बाइक्स का टोल नहीं लगता। सो वी कैन जस्ट गो, लाइक वी कैन जस्ट बाईपास दिस टोल साइड से। ठीक है, गाड़ी भी बाईपास करने की कोशिश कर रही है क्या? आई थिंक ये ट्रक्स का वेंग स्केल है साइड। ये यहाँ पे आई थिंक चेकिंग हो सकती है कि ट्रक ओवरलोडेड तो नहीं है। सो वी हैव रीच्ड बचरावा, दिस इज द नेक्स्ट टाउन दैट एनीवे, दिस इज बचरावा, दिस इज द नेक्स्ट टाउन दैट यू गो थ्रू व्हेन यू आर गोइंग ऑन दिस लखनऊ प्रयागराज हाईवे। We wanted to leave a little early, but थोड़ा थोड़ा काम था सबको, so 9:30 decide करा था, और I think निकलते निकलते हम लोग को 10:15 बज गए थे। इस time तक आते आते इस highway पर traffic थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। Otherwise अगर सुबह सुबह निकलो around 5:30 AM तो ये road almost खाली मिलती है, so you can get a good distance covered in a short span of time. तो हम लोग आ गए हैं हरचंदपुर में, यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। ये जगह फेमस है यहाँ के स्पेशल साइज़ के समोसे के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये जगह फेमस है यहाँ के समोसे के साइज़ के लिए। देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितना बड़ा समोसा है। एक बार खा के देखते हैं कैसा है। टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। सर बताना भूल गया, ये जगह जो थी हरचंदपुर, ये लखनऊ से 67 किलोमीटर दूर है। और सिर्फ वही शॉप नहीं, यहाँ पे सारी शॉप्स में समोसों का साइज़ यही होता है। तो खैर बहुत ही टेस्टी समोसा था, खा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स माणिकपुर। आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट माई ग्लव्स, ये जल्दबाजी में मैंने पहने थे और निकलना था, तो जैकेट के ऊपर है, आई वॉन्ट देम जैकेट के अंदर। All set. यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगता है इस हाईवे पे, इन नरेश स्वीट के पास।
ये नरेश स्वीट पे भी हम लोग एक बार पहले रुक चुके हैं, वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा सा लेट खुलता है ये बाकी रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में, बट खाना अच्छा है एंड क्लीनलीनेस इज़ गुड। तो हम लोग रायबरेली आ चुके हैं, यहाँ पे भी खाने की बहुत जगह है। आई थिंक प्रयागराज और लखनऊ हाईवे पे खाने की जगहों की कमी नहीं है। रायबरेली हो गया, उचाहार हो गया जहाँ पे अभी हम रुके थे हरचंदपुर, वो हो गया, समसपुर पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी, पीपल हु ओनली न्यू अबाउट नवाबगंज देयर इज अनदर बर्ड सेंचुरी क्लोज टू लखनऊ। सीधे ये जगह इस समय इतनी टेम्पटिंग लग रही है, मन करता है यहाँ से उतर के मस्त ऑफ रोडिंग करके वहाँ से आगे चढ़ जाए। तो पूरा रैम्प वैम्प टाइप का बना रखा है, मज़ा आ जाता है इधर। एक्सीडेंट, आई होप नॉट, ओ डेफिनेटली एन एक्सीडेंट। चलो खैर, आई हैव गॉट टू रीच माय डेस्टिनेशन। इधर हाथों गया हूँ यार, टू नैरो। इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन, वो उधर रोड के उधर जाके ट्रैफिक थोड़ा ओपन हो रहा है। तो बेसिकली उस एक कार के एक्सीडेंट और मेरे को कुछ डैमेज दिखा भी नहीं था कार में, उसकी वजह से ये पूरा जाम लगा हुआ है। बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट एक लेन पूरी, ऑलमोस्ट क्या एक ही लेन है वहाँ पे, और उसी को ब्लॉक करके खड़े हुए थे वो लोग। माइनर एक्सीडेंट हो, रोड से हट के गाड़ी रोको यार, देखो क्या हाल हो रखा है। एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम दैट वन एक्सीडेंट। और कुछ खास डैमेज, लाइक खास क्या, मेरे को तो डैमेज नहीं दिखा, मे बी लेफ्ट साइड हो, आई डोंट नो, बट जितना मैंने देखने की कोशिश करी उसमें तो मुझे कोई डैमेज भी नहीं दिखा। सो आरएम जस्ट सेड कि इधर थोड़ा खींच ले क्या, मैं कहा हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ की रोड कितना अलाउ करती है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग 80, आई डोंट थिंक इससे ऊपर जा पाएंगे, इवन दो दिस इज द बाईपास। डाउन टू 40, यहाँ रुको, यहाँ पे वो लोग पीछे हैं। हम लोग बाईपास पे एक छोटे से फोटो सेशन के लिए रुके थे, ये फोटोज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, वीडियो के कॉर्नर में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा, सो यू कैन फॉलो मी देयर। दिस इज द स्पॉट जहाँ पे शैलेंद्र भैया, हाय शैलेंद्र भैया का एक्सीडेंट हुआ था एक नीलगाय से। सो इस वाली रोड पे जा रहे थे एंड सडनली इन झाड़ियों में से एक नीलगाय आके हिट हिम ऑन हिज बाइक। अभी तो वैसे आई कैन सी कि इन्होंने झाड़ियाँ जो है बहुत दूर तक, रोड के काफ़ी दूर तक ट्रिम कर दी हैं। एक बार जब मैं और शैलेंद्र भैया रीवा जा रहे थे, अरे ये देखो जरा, एनीवे ये देखो रोड के कैसे एकदम एज तक ये झाड़ियाँ हैं, तो इसी के बीच से एकदम से नीलगाय निकली थी एंड हिट हिम। छोटा सा जर्नी अपडेट दे दूँ, इस समय टाइम हो रहा है 1:22 PM एंड आई थिंक अराउंड 50 किलोमीटर्स बचा है अभी एंड वी हैव ट्रैवल्ड अराउंड 80।
दिस डिवाइडर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिवाइडर डिज़ाइन आई एवर सीन. ये सब जो टूटा हुआ देख रहे हैं ना, दिस इज़ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ये जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ये टूट जाते हैं एंड देन रात के टाइम पे ये बिल्कुल दिखता नहीं है. सो वॉट आई हैव सीन लाइक ट्वाइस, आई हैव सीन ट्रक्स पूरे पूरे इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड देन आगे चल के वो रैम्प सा बना हुआ है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं एंड देन वहाँ जाके इधर दे फ्लिप और दे गेट स्टक. वर्स्ट डिवाइडर डिज़ाइन एवर. फाइनल डेस्टिनेशन ट्रक. तो हम लोग हाईवे से उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं पहले एक लोकेशन पे. गंगा नदी के किनारे पुल से एक कच्ची सड़क उतरती है नीचे, वो एकदम गंगा नदी तक जाती है पूरा. तो ये गंगा नदी का पुल आ गया है, ये नीचे इस साइड गंगा नदी है और हम यहीं से उतरेंगे. अभी जब ये पुल ख़त्म होगा वहीं से हम लोग लेफ्ट में नीचे उतरेंगे. क्या व्यू है यार इधर का. अच्छा, जब हम लोग मानसून में आए थे तो रिवर का लेवल काफ़ी ऊपर था, अब तो काफ़ी नीचे हो रखा है. चलो, यहाँ पे भी एक छोटा सा फोटो सेशन करा था, अब यहाँ से वापस ऊपर एंड देन आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स माणिकपुर में. शंकर लाल पंडा तीर्थ पुरोहित. दिस इज समथिंग नाइस. तो हम लोग आ चुके हैं गंगा नदी के तट पे, वहाँ पे वो पीपे वाला पुल है और मस्त ठंडे ठंडे पानी में नहा के अभी फटाफट यहाँ से निकलेंगे. 1 2 3 फिर से चलो 1 2 3 तो हम लोग घाट से निकल रहे हैं अब कड़ा धाम मंदिर के लिए. ये कड़ा धाम मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है. कड़ाधाम मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं कृपालू महाराज के आश्रम. ये कुंडा में है, अभी हम लोग माणिकपुर में थे, अब कृपालू महाराज का जो आश्रम है वो कुंडा में है. ये हमने लास्ट के लिए इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ पर शाम के टाइम पे लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, तो वही हम लोग मेन देखना चाहते थे कि लेट से लेट पहुँचे वहाँ पर ताकि लाइट्स ऑन हो जाएँ. एंड विंडो काफ़ी शॉर्ट है, आई थिंक 6 बजे लाइट ऑन होती है एंड 8 बजे बंद हो जाता है, तो अभी 4 ही बजा है तो काफ़ी वेट करना पड़ सकता है हम लोगों को. बट आश्रम काफ़ी बड़ा है तो मे बी 2 घंटे लग ही जाए. ये जो आश्रम है ये इधर माणिकपुर कड़ाधाम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर है एंड वापस अब हमें हाईवे ही ज्वाइन करना है. जहाँ से हम लोग उतरे थे माणिकपुर आने के लिए, हम उसी हाईवे को अब ज्वाइन करेंगे. तो ये हम लोग आश्रम के अंदर जा रहे हैं, अब कृपालू धाम प्रवेश द्वार. तो हम अंदर आ चुके हैं सिक्योरिटी पास करके,
और यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक वॉकवे बना रखा है, दोनों साइड अशोक के पेड़ हैं। तो अब हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं, टाइम हो गया है 7:08। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल लखनऊ का मेरे ख्याल से 3 आवर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। बाकी देखते हैं ट्रैफिक और विजिबिलिटी के ऊपर। फिर से वो बम्पी वाली रोड पे आ गए हैं, बहुत ही अजीब सड़क है। Not a sight I was expecting to see, but the bumpy road ends. Back on the highway, off to Lucknow. रायबरेली में एक स्टॉप लेने का सोचा है, देखेंगे रुकेंगे, अगर चाय पीने का मन हुआ तो पियेंगे, otherwise we'll just continue. That is not good. I think railway crossing closed है. It is closed. यहाँ पे तो रुकना अच्छा नहीं है, कहीं मार्केट टाइप की आएगी तो वहां रुक जाएंगे। ये बटोरी है, ये उचाहार आ गए हम लोग, इसके बाद रायबरेली फिर लखनऊ। तो हम लोग रुके थे बटोही रेस्टोरेंट पे एक एक चाय के लिए, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई थी आज, हमेशा ही बढ़िया होती है वैसे तो। ऑनवर्ड्स लखनऊ। हल्की हल्की ठंड लग रही है, मैंने लाइनर नहीं रखा था कि गर्मी होगी, बट रात में थोड़ी सी ठंड अब हो रही है, मैंने वेंट सारे बंद कर लिए, उसी से काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट हो गया। तो वी आर क्लोज टू दी उचाहार टोल गेट, उचाहार क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद रायबरेली शुरू हो जाएगा। सो रायबरेली वाली रोड पे आ चुके हैं, टोल रोड जो है, और टाइम हो चुका है 8:56। मोस्ट प्रॉब्ली अगले एक घंटे में हम लोग घर पे होंगे, तो घर से होंगे हम करीब 40 किलोमीटर दूर, और चाय का स्टॉप लेने का प्लान करा है, तो फ्लाईओवर के बाद जो भी नेक्स्ट चाय की बढ़िया दुकान दिखेगी वहाँ रुकेंगे, चाय पियेंगे। ठंड बहुत हो गई है, इट इज़ करेंटली 16 डिग्री सेल्सियस। टी ब्रेक के लिए रुके थे, बढ़िया आग सेकी। ऑनवर्ड्स लखनऊ, ये दीनदयाल उपाध्याय गेट आ गया है, बस अब आगे निकलेंगे, नेक्स्ट स्टॉप लखनऊ घर। आज की राइड का लास्ट टोल, टाइम हो गया है 9:43। काफ़ी शादियाँ देख ली आज, आई थिंक ये 6th या 7th है।
नाइस। लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। सो फाइनली लखनऊ एंटर कर गए। टाइम हो गया है 9:58। सो 10 बजे वाला टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया। घर पहुँचते पहुँचते मे बी 30 मिनट्स मोर, नॉट बैड। सो मैं पहुँच गया हूँ हज़रतगंज। बाकी लोगों ने रायबरेली रोड से शहीद पथ वाला रूट ले लिया था। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स ऑन अपकमिंग राइड्स। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।